हे गाइस, तो चलिए आज ना एक बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बनाएंगे जिसमें कि सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। तो एक कप गेहूं का आटा लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, फिर उसके बाद ना कुछ बेसिक से मसाले डाल दीजिए, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए, और फिर उसके ऊपर से ना थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। आपको जो भी सब्ज़ियाँ या मसाले पसंद है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, चाहे तो जैसे प्याज वगैरह होता है, शिमला मिर्च वगैरह होती है ना, वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर क्या करना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है और इसका ना एक बढ़िया सा घोल रेडी करना है, इतना बढ़िया कि बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, और पानी धीरे धीरे करके डालेगा ताकि इसके अंदर कोई भी लम्ब्स ना बने रहें, एकदम स्मूथ सा बैटर में बना के रेडी करना है। और उसके बाद जैसे ये बैटर आपका बन के रेडी हो जाए कुछ इस तरीके का, तो इसको रख देंगे हम साइड में। और फिर उसके बाद लेंगे दो इस तरीके के मीडियम साइज़ के आलू, और ना इन्हें हमें छील लेना है, तो बस बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के मत लेना, मीडियम साइज़ के आलू लेने हैं, और फटाफट से इन्हें छील लेंगे। और छीलने के बाद ना हम इन्हें अच्छे से धो लेंगे, और उसके बाद ना इसको करेंगे हम ऐसे पतली पतली गोल गोल स्लाइसेस इसकी कट करेंगे। तो जितना पतला हो सके उतना काटिए, क्योंकि जितना पतला होगा ना तो आपका जो नाश्ता है ना वो उतने जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। तो गोल गोल स्लाइस काटना है, उसके बाद पानी से धो देना और फिर निकाल लेना। फिर क्या करना है, एक नॉनस्टिक पैन लीजिए, उसको हल्का सा ऑयल लगा दीजिए, फिर गर्म हो जाएगा ना जब तेल, तो ये जो आलू के स्लाइसेस हमने कट करके रखे हुए थे इनको हम इसके अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है वो हम रखेंगे लो, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे उसे, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो हमारा नीचे का सरफेस है ना आलूओं का वो जल जाएगा। तो इस तरीके से पूरे पैन में हमने आलू बिछा दिए हैं और 1 से 1.5 मिनट इसको पकने देंगे, बस इतना कि हल्का सा वो सॉटे टाइप का हो जाए। और एक बार ना इन स्लाइसेस को सिर्फ पलट देंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर वो जो बैटर हमने बनाया था ना हम वो पोर करेंगे। तो ये देखिए, ढक्कन लगा के इसको 1 मिनट के लिए और पका लिया। अब यहाँ पे जो हमारे आलू है ना वो ऑलमोस्ट 70 से 80% कुक हो चुके हैं, चाहे तो आप यहाँ पे कोई फोक या टूथपिक से प्रेस करके आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बैटर हमने बनाया हुआ था ना वो डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से फोक मैंने डाला तो ईज़िली वो जो है ना आलू वो हमारा पक चुका है। तो अब बारी आती है इसके ऊपर से बैटर डालने की, और इस तरीके से एक करछी से जो बैटर है उसको हम पोर कर देंगे इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर मत करना, बस इतना कि जो आलू है ना वो अच्छे से कवर अप हो जाए। तो पूरा जो सरफेस है हमारा पैन का वो पूरा हमने भर दिया है बैटर से, और अब इसको ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट हम लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे, या फिर तब तक जब तक कि जो ऊपर का जो एरिया है ना वो थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए, ये अच्छे से ड्राई हो गया है, और अब हम इसे पलट देंगे। बहुत ही आसानी से ये पलट जाता है, और ये देखिए कितनी बढ़िया से जो हमारा आलू है ना वो कुक हो चुका है। अब इसे 2-3 बार और अच्छे से पका लेंगे पलट पलट के, और उसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। अगर आप आलू नहीं यूज़ करना चाहते हैं और आलू में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उसकी जगह पे ना वेजीज़ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टमाटर की स्लाइसेस कट करके रखी है, आप यहाँ पे प्याज की स्लाइसेस या फिर जो बैगन होता है उसकी स्लाइसेस भी कट करके डाल सकते हैं। बस उनको प्लेस करना है, ऊपर से बैटर को पोर करना है, और ढक्कन लगा के उसे 1-2 मिनट पकाइए उलट पलट के, और जब दोनों साइड से थोड़ा क्रिस्पी ब्राउन सा हो जाए ना तो इसे तब तक पकाना है। तो ये देखिए, इसको भी मैंने ढक्कन लगा के पका दिया है, और ये देखिए ऊपर का जो एरिया है ना बिल्कुल सूख चुका है, और यहाँ पे हम इसको भी पलट देंगे। तो इस तरीके से आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी के साथ ना इस तरीके का हेल्दी जो नाश्ता होता है ना वो बना के रेडी कर सकते हैं। और फिर इस बहाने क्या होगा कि जो नॉर्मल रोटी सब्जी का जो हम टिफ़िन ले जाते हैं या नाश्ते में खाते हैं ना, उससे हट के जो है हमारा नाश्ता वो बन के रेडी हो जाएगा। तो ये जो आलू वाला मैंने बना के रखा था ना, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, सर्व करने से पहले थोड़ा सा जो फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया है ना वो डाल दीजिए, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च वगैरह डाल सकते हैं आप, और इसको किसी भी चटनी या सॉस के साथ आप खा के इंजॉय कर सकते हैं।